Childhood obesity is a serious medical condition that affects children and adolescents. It's particularly troubling because of those extra pawns that often start children onto the path of developing serious health problems that were once supposed to be considered to be adult health problems, like high cholesterol, high BP, diabetes, and whatnot. Childhood obesity leads to poor self-esteem and depression. The best strategy to reduce this childhood obesity is to improve eating and exercise habit of your entire family. Hey cute mommies, this is Sneha here, your sassy and cutie mom. Globally, worldwide, childhood obesity बहुत ही तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है. उसका ग्राफ बहुत जो कम था वो यूं करके बढ़ रहा है. And it's all because we all know lifestyle. हम सबको पता है, बट फिर भी बच्चे को लाड प्यार में बस पाले जा रहे हैं और अपनी आंखें और कान बंद कर रहे हैं. ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग साइन है हम सबके लिए. बीइंग अ न्यू मॉम, फर्स्ट टाइम मदर, न्यू पेरेंट, मेरे लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग, बहुत ही थ्रेटनिंग है कि अपने बच्चे को हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे दूँ. मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है, हाउ टू डेवलप अ हेल्दी ईटिंग हैबिट इन योर किड. नहीं जिन्होंने देखा है प्लीज़ देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स डिस्कस टुडे कि ओबेसिटी जो इतना अलार्मिंग साइन से बढ़ रहा है, इसको कैसे हम रिड्यूस करें, कैसे प्रिवेंट करें, सो दैट हमारे बच्चे का आज और हम अपने बच्चे का कल बहुत ही हेल्दी, हैप्पी, बहुत ही सक्सेसफुल बना सकें. लेट्स डिस्कस टुडे, बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. कैसे पता चलेगा बच्चा ओवरवेट है? बहुत बार होता है बच्चे मोटे नहीं दिख रहे होते, बट उनका फ्रेम वैसा होता है जिससे वो ओबेस होते हैं. बॉडी मास इंडेक्स, BMI, ये पूरा एक प्लानोग्राम होता है. आप जब भी डॉक्टर के पास दिखाने जाओगे वो बता देंगे हाइट के कंपैरेटिवली कितना वेट होना चाहिए, जिससे पता चल जाएगा बच्चा अंडरवेट है, ठीक है, या ओवरवेट है. क्या रीजंस हो सकते हैं ओबेसिटी के? लाइफस्टाइल. कैसा खाना आप खिला रहे हो अपने बच्चे को, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है. आज के डेट में प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, जंक फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें घर में ला के रख दी जाती हैं एंड बच्चे उसी पे खाते हैं बिकॉज वो बहुत टेम्पटिंग होती है. इसके वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है बच्चों में. लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़, लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है, पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है, स्कूल का इतना प्रेशर है कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है, आउटडोर एक्टिविटीज़ एकदम ज़ीरो हो गई है. दिन भर स्कूल में, शाम को आके स्क्रीन टाइम ही होता है. बच्चे को बाहर निकालिए, बच्चे को जितना आप दौड़ाएंगे खिलाएंगे, बिकॉज फिज़िकल एक्टिविटीज़ कैलोरीज बर्न करती है, और जिन बच्चों में फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है उन पे रिस्क होता है ओबेसिटी बढ़ने का. देन फैमिली फैक्टर, जिसको जेनेटिक बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, बट दैट डजंट गिव एन एक्सक्यूज कि आपका बच्चा भी ओबेस होगा. उन फैमिलीज में बहुत ज़्यादा जो एनकरेजमेंट नहीं होता है हेल्दी ईटिंग एंड एक्सरसाइज को, उस घर में ओबेसिटी होनी ही होनी है. आज के डेट में जहाँ इतना एडल्ट्रेटेड फूड होता है, मार्केट में इतनी मिलावट हो रखी होती है, और स्टिल हम घर में वैसे ही खाना खा रहे होते हैं. साइकोलॉजिकल फैक्टर, अधिकतर पेरेंट्स आज के डेट में न्यूक्लियर फैमिली होते हैं, बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में बड़े हो रहे होते हैं. खुद का कोई स्ट्रेस होता है, पेरेंट्स की कुछ लड़ाई को देख के स्ट्रेस हो जाता है, कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं जिसके वजह से बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंड उनसे कोप अप करने के लिए दे कीप मंचिंग, दे कीप स्नैकिंग, एंड जिससे वो ओबेस हो जाते हैं. बहुत कम रेशियो में होता है मेडिकल इश्यूज, मेडिकल फैक्टर, जो मेडिसिनल, बहुत सारे बच्चे ऐसे ड्रग्स एंड मेडिसिन में होते हैं जिनसे उनका वेट बढ़ता है, ओबेस हो जाते हैं वो. खतरा है, क्या क्या चीज़ें, डिजीज़ हो सकती हैं. टाइप 2 डायबिटीज़ एक कंडीशन है जिसमें बॉडी रिजेक्ट कर देती है ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए, जिससे ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और डायबिटीज़ हो जाता है. क्या क्या हो सकते हैं? आईसाइट खराब हो सकती है, आईज डैमेज हो सकते हैं, नर्व्स डैमेज हो सकते हैं, किडनी डिसफंक्शन हो सकती है, बट ये सब चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं अगर आप लाइफस्टाइल अच्छा बना लो अपने बच्चे का और अपना खुद का भी. देन हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई BP, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज हाई फैट फूड एंड सॉल्टी फूड, ये सारी चीज़ें जितनी मात्रा में इनटेक करेंगे उससे ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल एंड BP बढ़ेगा, जिससे बड़े होके एडल्टहुड में हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स होना लाजमी है. देन जॉइंट पेन्स,
बहुत ज़्यादा वज़न बॉडी का होने के वजह से हिप्स में, नीज़ में, बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और बहुत ज़्यादा अगर वेट है, बहुत एक्सेस हो गया है, तो इंजरीज़ भी होती हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर, बहुत सारे बच्चे जो ओबेस होते हैं, सोते वक्त वो बहुत हेविली स्नोर कर रहे होते हैं, विच इज़ अ साइन बेबी इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी। इतना ज़्यादा जो ज़ोर ज़ोर से खराटे लेके सोते हैं, दैट इज़ नॉट हेल्दी, दैट इज़ अ अलार्मिंग साइन, दैट इज़ अ साइन आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे के गले में मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो ओबेस होते हैं, जिससे एयर वेज बंद हो जाता है, दब जाता है। देन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, कोई सिम्टम नहीं है बट फैट्स इतने हैं जो लिवर में एक्यूमुलेट हो के लिवर डैमेज कर देता है। आई सेड बच्चे बहुत ही ज़्यादा लोअर पुअर सेल्फ इस्टीम के हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज बच्चे हैं, मोटे हो गए हैं, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, बट जो साथ में उनके फ्रेंड्स हैं, उनके पेयर्स हैं, उनके जो क्लासमेट्स हैं, वो उनका मजाक उड़ाते हैं, सोसाइटी में लोग बुली करते हैं, जिसके वजह से बच्चे का सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा गिर जाता है। कैसे इन चीज़ों से बचा जाए, बिकॉज बच्चे को बहुत छोटे हैं, अभी से आप करोगे बहुत लंबी ज़िंदगी है, सब चीज़ें टेकन केयर होंगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्या प्रिकॉशंस लें, क्या स्टेप्स लें कि अपने बच्चे को ओबेसिटी से बचा सके, ओबेसिटी रिड्यूस कर सके। फूड हैबिट्स, आप बाज़ार से घर में कैसा खाना ला रहे हैं, वो हेल्दी ईटिंग इनकरेज कीजिए, सिर्फ बच्चों में नहीं, आप घर में भी, वाइफ हस्बैंड और अगर घर में कोई रह रहे हैं, सब कोई वो माहौल, वो ट्रेडिशन ही बना दीजिए हेल्दी ईटिंग हैबिट का। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लीन प्रोटीन्स, वो सारी चीज़ें आप अच्छी चीज़ें खाएं, घर में स्वादिष्ट खाना बना के खाएं। फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, घर में आप कितने भी बिजी हों बट एक घंटा या दो घंटा दिन में निकालिए, एक ही घंटा निकालिए जहां आप सब कोई फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, क्योंकि आप ही हैं वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे में हर अच्छी हैबिट्स डाल सकते हैं। ट्रस्ट मी, बीइंग अ मदर ऑफ अ 2-year kid मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है एंड वी आर ऑल्सो, हमने मतलब ये अपना एकदम कसम खा ली है कि हम खुद पहले चेंज होंगे तो हम अपने बच्चे को फिर सिखा पाएंगे। तो मी एंड अभिषेक, वी आर ऑल्सो ऑन द सेम ट्रैक ऑफ लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बच्चे को अच्छी नींद दे, पूरा 8 to 10 hours की स्लीप दे, बिकॉज स्लीप, लैक ऑफ स्लीप के वजह से हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, जिसके वजह से बच्चे की एपेटाइट बहुत बढ़ जाती है, बच्चा बहुत ज़्यादा खाने लगता है। देन रिड्यूस स्क्रीन टाइम, जितना बच्चा टीवी देखता है, मोबाइल के पास बैठता है, तो कुछ ना कुछ तो मुंह में आप डालते जाओगे, वो खाता जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा वो क्या खा रहा है और कितना खा लेता है, वो एक रीज़न है। सो दीज छोटी छोटी चीज़ें वी हैव टू टेक केयर एंड वी हैव टू टेक केयर एंड वी कैन गिव आवर चाइल्ड अ ब्यूटिफुल एंड हेल्दी लाइफ एंड फ्यूचर अहेड। डोंट यू ऑल अग्री विथ मी ऑन दिस? सो इट्स द टाइम, राइट टाइम, कि हम सबको अच्छी लाइफस्टाइल अपने बच्चे को देनी चाहिए एंड खुद पे भी डेवलप करना चाहिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर बेबीज। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद सासी एंड क्यूटी मॉम। बाय बाय, टेक केयर।